हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, दिन है फ्राइडे। अभी हम लोग मार्केट से लौटे थे, शिवरात्रि भी है आज, तो शाम के टाइम का खाना बन रहा है। और फ्राइडे वाले दिन तो अक्सर पूड़ी और आलू ही बनते हैं, तो व्रत तो है नहीं हमारा, तो इसलिए हम जा रहे थे पूड़ी और आलू बनाने। तो इन्होंने आलू फ्राई कर दिए और मैंने यहाँ पर पूड़ी से और चाय भी रख दी इन्होंने। तो आज के दिन हम लोग सब कुछ खा लेते हैं, आज के दिन कुछ पूड़ी उड़ी में रोक नहीं है, वैसे तो बंद है सब कुछ ये सारी चीज़ें। तो अभी हमारा खाना पीना हो गया है, खाना वाना हम खा चुके हैं और बस बिस्तर उस्तर लगाने का नंबर लगा रहे थे और आज जल्दी खाना वाना खा लिया, मार्केट से आ गए थे तो अभी सोने का टाइम तो नहीं हुआ है। और मुझे तो वैसे भी लेट बहुत देर में नींद आती है, तो बस अभी क्या है, आप सबको एक बार फिर से बोल दें हैप्पी महाशिवरात्रि, शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों को बोलेंगे गुड नाइट, बाय बाय। और अभी मतलब गुड नाइट हुई कहाँ है, अभी तो दूध ठंडा होने के लिए रखा है, अंदर दूध दूध देना है। सब सब्स सब्सक्राइब करना करना। आयन ने बोल दिया अब लाइक करेंगे समय, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करना वीडियो को, तब तक प्लीज वीडियो को ये बटन कर दें। ठीक है, और अभी ये नेक्स्ट डे है, अभी सैटरडे की सुबह हो रही है और ये रात में मैंने सारे कपड़े पंखे में डाले थे सूखने के लिए, तो मैं इनको घरी करके रख रही हूँ क्योंकि शाम के टाइम ही मैं सुखा पाई थी। दिन मैं मार्केट चली गई थी और पहले पूजा पाठ में लगे थे शिवरात्रि की पूजा में, तो इसलिए रात में सुखाए थे तो सारे रख दिए। उसके बाद मैंने ये बिस्तर वगैरह सही किया और ये कंबल वगैरह जो हैं सारे मैं उठा के रख देती हूँ सब कुछ। और उसके बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में और आज मेरा जो मैं एडिट करती हूँ, एडिट वाला ऐप बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा था, बहुत मुश्किल से मैं वीडियो एडिट कर पाई हूँ, बहुत ही मुश्किल से अपने आप ही आगे पीछे हो जा रहा, वीडियो सेट ही नहीं हो पा रहा था, तो जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लग रहा है। तो अभी फ्रिज में रखा था थोड़ा सा पुराना दही क्योंकि फ्राइडे को यूज़ नहीं किया था मैंने उससे पहले का, एक दिन पहले का, और थोड़ा सा बटर मिल्क रखे हुए थे जो कि खट्टे हो गए थे, तो ये बोल रहे थे कि आज कुछ ऐसा बना लो इनका क्योंकि छुट्टी वाले दिन, वैसे सुबह जल्दी जल्दी पड़ती है लेकिन छुट्टी वाला दिन है तो कुछ अच्छा खाने का मन कराता है। तो मैंने ये सारा जितना मठा और ये दही था सब इकट्ठा कर लिया एक बाउल में और ये कल की पूड़ी का सरसों का तेल रखा था वो मैंने निकाल लिया, अभी ये कल ही का है। तो मैं अभी क्या है कि कढ़ी बनाऊंगी, तो जब तक मैंने सारी तैयारी करके रख ली है, बेसन नहीं था तो ये बोल रहे थे मैं बेसन लेके आ रहा हूँ, उसके बाद मैं पकौड़ी वाली कढ़ी बनाऊंगी। और जब तक मैं यहाँ पर चावल रख दे रही हूँ बनने के लिए, और मेरा भी आज कढ़ी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं खुले भगोने में रखती हूँ चावल बनने के लिए, तो इसलिए मैंने पहले से ही चढ़ा दिए ताकि चावल आराम से धीरे धीरे बन जाएंगे। तो मैं बहुत सारा देखा है कि एक कटोरी चावल में ही बहुत सारा पानी डाल देती हूँ क्योंकि ये पानी सारा निकाल लूँगी मैं बाद में। तो ये सामान जो जो लाना था तो ये ले आए हैं, कुछ सब्ज़ी वगैरह, लौकी, खीरा और ये छाछ के पैकेट, दूध और ये सारी चीज़ें, बेसन वगैरह। तो बस अभी मैं कढ़ी बनाऊँगी और इसको, ये भी नहा धो के आ गया यान, तो इसको मैं दे दे रही हूँ दूध पीने के लिए। नाश्ता मैंने पहले दे दिया था, इसको दूध बाद में दिया है क्योंकि दूध ले लेता है तो फिर ये नाश्ता नहीं करता है, दूध बस पी के ही बना रहता है फिर खाना खाता है। तो ये जो बेसन लेके आए थे ये मैंने डिब्बे में भर लिया, ये आधा किलो वाला पैकेट है। तो आज कढ़ी खाने का मन था और पकौड़ी वाली कढ़ी खाने का ही मन था, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पकौड़ी के लिए बेसन छान लिया है, इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल दूँगी, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा नमक, ये सारी चीज़ें डाल के पानी डाल के अच्छे से फेंट दूँगी। इसमें मैं सोडा वगैरह नहीं डालूँगी, जैसे कोई कोई सोडा भी डाल देता है जिससे कि पकौड़ी अच्छे से फूले, लेकिन जब अच्छे से फेंट दो तो फिर कोई सोडा वोडा डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, थोड़ा सा पतला कर दो बेसन, ज़्यादा वैसा ना रहे, तो बहुत अच्छे से पकौड़ी फूल के आती हैं। तो
बस यहाँ पर मैंने अच्छे से फेंट लिया है और बस पकौड़ी तोड़ के बीच बीच में मैं क्या करती हूँ, जब बहुत टाइम लगता है सेकने का तो मैं स्टूल रखा रहता है तो मैं बीच में बैठ भी जाती हूँ, तो तेल गर्म हो रहा था तो थोड़ी देर में बैठ गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर पकौड़ी तोड़ ली है, ये देखिए गीला है तो थोड़ा सा चपटी लंबी ऐसी पकौड़ियाँ निकल रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कड़ी में जाके सब एक सी हो जाती हैं। और यहाँ पर ये डस्टबिन के कवर भी लेके आए थे तो इनको अभी एक कवर चाहिए था, बाथरूम का कूड़ा वगैरह ये सब भर रहे थे क्योंकि आज छुट्टी थी तो कह रहे थे सफाई कर दे रहा हूँ, तो मैं वही दे रही थी, वो मेरे हाथ भरे हुए थे। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा पकौड़ी मैं वैसे बना लूँ, आलू की प्याज की हरी मिर्च डाल के, जब बेसन घोला ही था तो मैंने कहा इसी कटोरे में थोड़ी सी खाने के लिए भी बना ले रही हूँ पकौड़ी। और ये वैसे भी ये पकौड़ी वगैरह ये तेल की चीज़ें ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं, एक दिन पूड़ी ज़रूर खा लेते हैं, तो फिर अकेले बस के लिए बनाने के लिए थोड़ा सा आलस भी लगता है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें मेरी भी छूट गई हैं। लेकिन अभी मैंने बनाई है अपने लिए और अयान के लिए, वो तो खा लेगा, ये भले ही नहीं खाएंगे, तो अयान को आलू वाली पसंद है इसलिए उसके लिए मैंने आलू डाल दी है और अपने लिए प्याज और हरी मिर्च डाल दी है। तो ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़ी बन गई है, क्योंकि तेल गर्म था ही, बेसन हो ही रहा था तो मन कर आया कि चलो बना लेते हैं, तो ये बन के रेडी हो गई है देखिए पकौड़ी, और ये आलू प्याज और हरी मिर्च की, और साथ में ये बेसन की कढ़ी में डालने वाली, ये भी देखिए अच्छे से फूली है। तो आ जाइए दोस्तों आप लोग भी पकौड़ी खा लीजिए। क्या यार इनको मैं आलू आलू की निकाल के दे दूंगी अभी, और ये चावल भी हो गया था तो इसका पानी मैंने निकाल दिया है, तो आप देख सकते हैं कितना एक्स्ट्रा पानी मैं चावल में डालती हूँ। और बस पानी निकालने के बाद में चावल को ऐसे प्लेट से ढक के 4-5 मिनट को रख दो, तो आराम से थोड़ी बहुत जो कसर रह जाती है चावल में तो आराम से वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने कढ़ी भी छौंक दी है। और अभी क्या है, हमारी जो भाभी है नीलम भाभी, उनका टाइम 1 महीने पहले डॉक्टर ने बोला था इनका टाइम आ गया है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कुछ दवा वगैरह दी होगी, उसका टाइम तो नहीं आया, लेकिन बीच बीच में दर्द होता रहता है, तो वही आज उनसे भी बात की कि क्या बताया डॉक्टर ने, क्या चल रहा है, तो वो सारी बातें भी अभी होंगी उनसे। तूने हमारी बुक क्यों ली थी? बुक कौन सी बुक और पार्सल? आज मैं खूब सोई, मालूम है क्यों? क्योंकि जिस दिन ये घर पे रहते हैं छुट्टी होती है उस दिन इसका तांडव कम रहता है, ये कंट्रोल में रहता है, तो उस दिन क्या होता है मैं सो लेती हूँ, वरना मुझे डेली सोने को नहीं मिलता है। मैं वही कहता हूँ रमा झूठ बोलती है मेरे से, मैं तो जब घर पे रहता हूँ तो कुछ करता ही नहीं है। तुम झूठ बोलती हो ना, बहुत तांडव करता है, इधर चेयर लगाए उधर, तो मेरे सामने तो करता नहीं है कुछ भी, तुम तो डरता रहता है, तो मैं उस दिन आराम से सो लेती हूँ, मतलब बहुत हल्का फील करती हूँ उस दिन मैं, कि मुझे रेस्ट मिल गया बॉडी को भी और माइंड को भी, वरना ना तो बॉडी को रेस्ट मिलता है ना माइंड को रेस्ट मिलता है। और इतनी सारी में ये जो मैंने रेस्ट की बुक मंगाई थी, कोशिश करती रही बीच बीच में जब नींद आ रही थी पढ़ूं, लेकिन उन रेसिपियों में भी ऐसी ऐसी चीजें मिलाते हैं ना, उनके वो देख के इंग्रेडिएंट जो पड़े रहते हैं मन नहीं करता, पलट पलट के देखती हूँ ऐसी कोई रेसिपी मिले जिसमें ज्यादा उल्टे सीधे सामान न डालने पड़े। क्या उल्टा सीधे सामान आ गया? बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या फॉर एग्जांपल? तो यहाँ पर मैं अपनी भाभी से बात कर रही थी हालचाल लेने को, तो वो यही बता रही थी कि अचानक एक दिन अभी रात में ही कल परसों इनको दर्द उठा था, तो रात ही में हॉस्पिटल तुरंत इनको लेके गए, इनको लगा कि टाइम आ गया है डिलीवरी का, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि डॉक्टर ने बोला कि अभी तो इनको टाइम है ही नहीं, तो फिर लौट आई। ऐसे बीच बीच में एक आध बार और दर्द हुआ, तो मैंने कहा क्या धोखा दे रही हो, घर आके ठीक हो जाती है वो, उनको थोड़ा देर के लिए ही दर्द होता है, बाकी डॉक्टर ने देखा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो बीच में ऐसे ही हुआ था कि पिछले महीने जब ये दीदी के
यहाँ आ गई थी, तब 8वां महीना ही इनका चल रहा था, तब गई थी, तब डॉक्टर ने कहा था कि इनका टाइम आ चुका है और डिलीवरी हो जाएगी, फिर इंजेक्शन वगैरह कुछ दे दिया होगा जिसकी वजह से फिर टाइम रुक गया। तो ये बार बार हॉस्पिटल जाती हैं, अब लग रहा था कि बिल्कुल टाइम आ ही गया है क्योंकि टाइम हो भी गया था लगभग पूरा, लेकिन और इस चक्कर में ये बड़ी वाली जो दीदी है नंदिनी दीदी, इनको भी बुला दिया, तो ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा गुस्से में नहीं टेंशन में बैठी हैं। वो ये बता रही हैं कि ये मतलब जो जीजा जी हैं वो कह रहे हैं कि आराम से तुम रहो, और वहाँ पे क्योंकि मतलब फसल वगैरह का टाइम है, खेती वेती का टाइम है, तो वहाँ भी उनके काम लगा होगा, जानवर भी है घर पे, तो अकेले बहुत सारा काम उन पे रह रहा होगा, तो उनको घर की भी टेंशन है, उनको लगा कि टाइम आ गया, दर्द हो रहा है, तो इसलिए वो भी चली आईं तो इमरजेंसी में, लेकिन पता चला कि कुछ नहीं है। तभी से अच्छा है कि तुम्हारी नंदे इतनी अच्छी हैं तो सेवा करवा लो यही टाइम है, तो कह रही थी हाँ कि कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ही है, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि इंतज़ार करते हैं जाने के बाद में टाइम नहीं आए, क्योंकि ये तो किसी के हाथ में वैसे भी नहीं है, जब आएगा तो खुद ही, मैंने कहा पता चल जाएगा जब टाइम आएगा, तो सोचने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन बड़ी वाली दीदी को जाना होगा क्योंकि वो अकेली हैं और कोई देखने वेखने वाला भी नहीं है घर पर, तो बहुत सारी जिम्मेदारी भी है उनके ऊपर, तो वही कह रही थी कि टेंशन में, वहाँ से जीजा जी बार बार फ़ोन कर रहे होंगे, तो कह रही हमें पता होता तो हम एकदम मतलब वही टाइम पे आते, तो इस वजह से वही सब बातें हो रही थी। मैंने कहा दिक्कत वाली बात तो है ही, और वहाँ पर मम्मी भी घुटने से पूरा ही उनका घुटना ख़राब हो चुका है, तो वो कुछ करने लायक है नहीं है, बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाती अब तो। तो यही है, अभी तो इंतज़ार है, देखिए कब तक क्या होता है। तो चलिए अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।